दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारी वैकेंसी लेके फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस वालों दोनों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ये दोस्तों निपॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में रेवाड़ी घराना लोकेशन के लिए वैकेंसी है। दोस्तों यहाँ पर जो है अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है और यहाँ पर टाइमिंग है 2 ईयर। ये कुकेबल ओनली ऑन मेल कैंडिडेट के लिए, जहाँ पर ITI इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रिक मशीन 2019 और 2018 फ्रॉम NCVT और SVVT। नेक्स्ट दोस्तों डिप्लोमा पास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2017 18 19 के और 20 के पास आउट। दोस्तों एज लिमिट 18 से 20 ईयर है। ये अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दोस्त तो वो लोग यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए इंटरव्यू और दोनों चीज़ें होंगी, तो साथ में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जैसे यहाँ पर रिज्यूम, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कलर होना चाहिए और यहाँ पर एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स और आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसका जीरोक्स भी साथ में लेके जाना है। ये 30 सितंबर 2020 और 1 अक्टूबर 2020 को होने वाला है, 10 से 12 बजे तक चलेगा। ये पूरा दिया हुआ है इंडिया निपॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और रेवाड़ी हरियाणा लोकेशन है। यहाँ पे लोकेशन कोड भी दिया है जिसे आप स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे सैलरी बता दिया गया है कि 10,750 रुपये पर मंथ। कैंटीन फैसिलिटी यहाँ पे बता दी गई है क्या क्या है, ब्रेकफास्ट लंच 2 टी 10 रुपये पर डे। यहाँ पे शिफ्ट का वर्किंग 3 रोटेशनल शिफ्ट रहेगा, 8 आवर का रहेगा। OT का 99 रुपये पर आवर मिलेगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन खुद से करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मशीन ऑपरेटर असेंबली लाइन। तो यहाँ पे दोस्तों इनका व्हाट्सएप नंबर दिया 7007109407। तो दोस्तों नेक्स्ट वॉकिंग इंटरव्यू यहाँ पे आप देख रहे होगे दोस्तों, यहाँ पे एक प्रोडक्शन में वैकेंसी जूनियर सीनियर केमिस्ट के लिए 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन BSc MSc केमिस्ट्री मांगा है। नेक्स्ट है QC, जहाँ पर जूनियर और सीनियर केमिस्ट के लिए वैकेंसी है, 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस BSc MSc केमिस्ट्री से मांगा है। 27/9/2020 संडे को ये इंटरव्यू होने वाला है, 10 बजे से 2 बजे तक होगा। पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरा कंपनी का एड्रेस आप देख पा रहे हो, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर आपको इस इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए जाना है हैदराबाद। तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा होगा आपको, अगर कोई दोस्त यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है तो आप अपना CV यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। मेल ID है resumes@symedlabs.com। अगर आप यहाँ पर अटेंड करने के लिए जाते हो तो अपना CV और एक फ़ोटो लेके ज़रूर जाएं और जीरोक्स डॉक्यूमेंट का करा के लेके जाएं। तो नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, जहाँ BE मैकेनिकल से मांगा है, 14 से 16 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पर दोस्तों इनका मेल ID दी है visheal.joshi@sunpharma.com। यहाँ पर आपको अपना CV ड्रॉप कर देना है दोस्तों, बाकी की सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं जिन्हें आप पढ़ लें। तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों एक्सपीरियंस 3 साल का सिविल सेक्टर अकाउंटेंट सिविल इंजीनियर, ये आपसे रिलेटिव्स हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मेल ID दिया, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट वैकेंसी श्री कृष्णा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी बताया गया है और यहाँ पर दोस्तों BE BTech केमिकल इंजीनियर, MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री और M Pharma। यहाँ पर डिपार्टमेंट है FR&D के लिए। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। मेल ID यहाँ पर दी है thulasi.gajuala@sri.com। यहाँ पर अपना CV ड्रॉप कर दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसीज यहाँ पे शांगी सीमेंट में है, असिस्टेंट मैनेजर डिप्टी मैनेजर UC के लिए, जहाँ पे MSc BSc केमिस्ट्री से मांगा है, 8 से 14 साल का एक्सपीरियंस। इंजीनियर सीनियर इंजीनियर MIS प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी, ग्राइंडिंग यूनिट के लिए इंजीनियर प्रोडक्शन, ग्राइंडिंग यूनिट के लिए इंजीनियर प्रोडक्शन, किलन ऑपरेशन के लिए इंजीनियर प्रोसेस प्रोडक्शन। यहाँ पर BE डिप्लोमा केमिकल और सीमेंट टेक्नोलॉजी, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस।
दोस्तों केमिस्ट के लिए वैकेंसी QC में, जहाँ BSc MSc मांगा, केमिस्ट्री 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस, सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन BE डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस, ऑफिसर दोस्तों IT सपोर्ट, वेब्स डेवलपर, IT एनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड IT 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस, ऑफिसर IT सपोर्ट जहाँ पर सेफ्टी डिप्लोमा एंड सेफ्टी 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस। जो लोग यहाँ पर किसी का बस नहीं इंटरेस्टेड है जो लोग, वो लोग यहाँ पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं HR@sangisement.com। दोस्तों ट्रेनिंग प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए वैकेंसी है IPPL में, 0 ईयर एक्सपीरियंस, पैकेज यहाँ पर बता दे गया है 2.5 से 3 लाख पर एनम रहेगा, जोधपुर लोकेशन, बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन आप सामने पढ़ सकते हो। यहाँ पर दोस्तों फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट चाहिए मैकेनिकल प्रोडक्शन केमिकल। यहाँ पर दोस्तों मेल आईडी थी जिस पर आप अपना CV ड्रॉप करना, HR@INDIGOPINTS.com यहाँ पर अपना CV ड्रॉप कर दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी यहाँ पे ऑपरेटर्स के लिए वैकेंसी है, एनी अदर 3 से 9 ईयर एक्सपीरियंस और 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। मेल आईडी आपके सामने जहाँ पे आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं HR@SUNRISEINTLABS.com। तो दोस्तों यहाँ पे सेल्स मैनेजर के लिए वैकेंसी, आप एक्सपीरियंस सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हो तो मेल आईडी दिए TALENT@ALEMBIC.co.in यहाँ पे अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, इंटरेस्टेड है तो आपसे मैच करता है तो प्रोफाइल। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे QA QC मैनेजर, जहाँ पर दोस्तों MPharma BPharma BSc मांगा हुआ, 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस, अप्रूव टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट या BPharma और BSc 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस, 7 दिन के अंदर यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। मेल आई डी है JAIMISH@TUTUNPHARMA.com यहाँ पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी EPP में है, यहाँ पर मैनेजर QMS लेस देन 7 ईयर और ग्रेटर देन 7 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पर BE BTech ME MTech ग्रेजुएशन, अगर आपका गुजरात से हो तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा यहाँ। नेक्स्ट है मैनेजर प्रोडक्शन FRP पाइप्स, यहाँ पर 10+ ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर QC QA BE डिप्लोमा 7+ ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर 7+ ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर दोस्तों मेल आईडी आपके सामने जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं HABBRAHMAN@EPP.co.in नेक्स्ट मेल आईडी भी दी जिस पर आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर दिए माइक्रो BSc MSc, यहाँ पर दोस्तों 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने दिए हुए हैं। नेक्स्ट वैकेंसी डिप्लोमा सिविल ऑटोकैड ड्राफ्टमैन 5 ईयर एक्सपीरियंस, एज लिमिट 35, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। मैं आपको स्पेशली बता दूं कहीं भी कोई भी पेमेंट आपको देना नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी यहां पे आपसे रिलेटिव है तो आप यहां पे अप्लाई 7 दिन के अंदर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट आपको नंबर सामने दिख रहा होगा और मेरी ईमेल आईडी दिख रही होगी, यहां पे अप्लाई करना रहेगा आपको। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे EPPC एग्जीक्यूटिव 2 मेल, यहाँ पे DME ITI BE मैकेनिकल फ्रेश और एक्सपीरियंस दोनों चलेगा। यहाँ अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी 2 मेल फीमेल दोनों चल सकते हैं, BCom मांगा फ्रेश और एक्सपीरियंस दोनों, ऑफिस असिस्टेंट 2 फीमेल के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों एजुकेशन 12th पास, मशीन ऑपरेटर 12, यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं, यहाँ पर DME ITI फ्रेशर चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड 2 वैकेंसी हैं, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ दोस्तों मेल आई डी दिए HATECH@RUDRALI.com यहाँ पर अपना CV ड्रॉप कर दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसी है, यहाँ पर दोस्तों ओपनिंग फॉर फ्रेशर्स, यहाँ पर प्रोडक्शन ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर BPharma MPharma फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट और केमिस्ट्री फ्रेशर 2019-20 के पास आउट ओनली, यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे मेल आईडी आपके सामने दी हुई है RECRUITMENT.CP1@
OUTLOK.com। दोस्तों आपको कहीं पे भी कुछ भी पेमेंट नहीं देना है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे पेमेंट कोई मांगता है तो आपको पेमेंट फिर भी नहीं देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे वापी ग्रीन इनवॉर लिमिटेड, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेल आई डी HR@VGELVAPI.com। रेंट ओपनिंग यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पर फिलहाल में जो ओपनिंग आपकी ओपन है वो ये वाली है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है तो अप्लाई कर लें। यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आप, आपको एक ऊपर लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला लिंक, आपको इस लिंक पे आना पड़ेगा VGELVAPI.com/CARERS.ASPX। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी ECIL में है, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको पहले तो इस लिंक पे जाना पड़ेगा। आपके सामने ऊपर लिंक दिख रही है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो आपको इस लिंक पे जाना पड़ेगा या कैरियर में जाके भी जा सकते हो। 18/9/2020 से स्टार्ट हो चुका है, 30/9/2020 तक चलेगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी के लिए यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। किस किस के लिए, टेक्निकल ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्ट के लिए जॉब निकली हुई हैं ये, ठीक है। मैं इस नोटिफिकेशन को लंबा नहीं करना चाहता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा IFFCO में वैकेंसी निकली अप्रेंटिस के लिए, ग्रेजुएट वालों के लिए, तो उनको मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि यहाँ पर वैकेंसी निकली IFFCO में। तो यहाँ पर डिग्री आपका AICTE UC से अप्रूव होना चाहिए, और आपने केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिग्री आपका 2017 के बाद पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट 30 है, जो 1 अगस्त 2020 के हिसाब से काउंट की जाएगी। आप अगर SC ST कैटेगरी में हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, अगर OBC कैटेगरी में हो तो 3 साल की छूट मिलेगी। ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड कितना है वो खुद से आप पढ़ें अच्छी तरीके से। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं कि आपको कितना 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड दिया गया है। वैसे यहाँ तो आपका यहाँ पे वेतन 25,000 रुपये पर मंथ, देखो अच्छा वेतन है, तो आप 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, हैं, उसके बेस पे मेन आपका, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। तो मेन बाकी उसके लिए सेंटर बता दिए गए बहुत सारे, जहाँ पे अलग अलग लोकेशन बता दिए गए, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा वो टेस्ट देने के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 23/9/2020 से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मन नज़दीक आ गए आप, तो यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन लॉगिन, तो रजिस्ट्रेशन अगर आपको अप्लाई करना है तो रजिस्ट्रेशन पर जाना पड़ेगा। और इस लिंक के पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा मेन चीज़, तो लिंक के पास आने के लिए देखो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, एक लिंक दिख रही होगी आपको, ये वाली लिंक पे आना पड़ेगा आपको। रजिस्ट्रेशन अगर करना है GEA, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, GEA.IFFCO.IN/LOGIN/2/IFFCO.JSP। तो इस लिंक को आपको गूगल पे खोलना पड़ेगा, बाद में आपको ये पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना बहुत है, तो नेक्स्ट वीडियो फिर से लाएंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक करो। आज हम 100 लाइक की आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।